जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते। वास्तु विद्या के स्थापत्य वेद के इस तृतीय पाठ में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम इससे आरंभ करेंगे। यहां मध्य प्रदेश में आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं और वे सब कॉलेजेस राजीव गांधी आरजी टीवी कह लो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी कह लो, उससे वो कनेक्टेड है। तो उनका अपना एक पाठ्यक्रम है, सिलेबस है बीआर में, और उस सिलेबस में जो भी ऑप्शनल में रखा है वास्तुशास्त्र को, पहले वो कुछ अलग सेमिस्टर में था, एट्थ में था, फिर नाइन्थ में आया, फिर कुछ सेमिस्टर उसका इधर उधर हुआ, पर सामान्य रूप से जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ये वास्तुशास्त्र का अध्ययन कराया जाता है। तो जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें वास्तुशास्त्र जो पाठ्यक्रम है उसमें 5 यूनिट्स हैं, 5 इकाइयां हैं, और उसमें जो प्रथम इकाई है वो रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम। रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में क्या है कि अपने पास पुराना कितना लिटरेचर कह लो, साहित्य कह लो, ज्ञान कह लो, नॉलेज कह लो, वो अवेलेबल है, इसका आपको ज्ञान हो जाए। अपन भी ये चाहते हैं कि जो अपन भारतीय हैं, अपनी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, वो कितनी प्राचीन है, कितनी पुरानी है, कैसे परंपरा से हमको चीजें उपलब्ध हैं या उपलब्ध थी। शब्द इसलिए कि जो अपना शिक्षा जगत है, शैक्षणिक जो पद्धति अभी इस समय आधुनिक चल रही है, वो 1905 के आसपास जो मेकाले नामक अंग्रेज था उसने सब अध्ययन करके यहाँ को देखभाल के कैसे अपनी शिक्षण पद्धति को बदल दिया। शिक्षा जो ज्ञान मूलक थी, कॉन्शियस ओरिएंटेटेड थी, उसका जो ओरिएंटेशन था वो चेतना पर आधारित शिक्षा थी, वो कैसे विषयों पर आधारित हो गई और उसका संबंध रोजी रोजगार, व्यापार व्यवसाय, अर्थोपार्जन से जुड़ गया, और वही बाद में धीरे 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 वो प्रधान हो गया। कि अब शिक्षा का उद्देश्य हो गया कि साहब अर्थोपार्जन करेंगे, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, और मुख्य लक्ष्य जो था वो ज्ञान के स्थान पे अर्थोपार्जन, अर्थ यानी पैसा कह लो, वो हो गया। और जो अपना रिच नॉलेज था, बहुत ही रिच, बहुत ही समृद्ध जो अपना ज्ञान था, अपनी संपदा थी, उससे अपन अपरिचित हो गए, क्योंकि वो जितना नॉलेज लगभग लगभग वो रहा वो अपनी भाषाओं में रहा, लोकल लैंग्वेज कह लो उसको, प्राचीन भाषा में रहा, संस्कृत में रहा, तमिल में रहा, तेलुगु में रहा, शारदा में रहा, दूसरी लिपि में रहा। धीरे 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 वो लिपियों का ज्ञान समाप्त हो गया, जैसे शारदा है, ब्राह्मी है, और बाद में संस्कृत को भी अपनी मुख्य धारा से
वो अलग कर दिया और उसमें अंग्रेजी प्रधान रूप से आ गई। तो इसके कारण बहुत सारा जो ज्ञान अपने पास अवेलेबल है या अवेलेबल था उससे अपन अपरिचित हो गए। वो अपरिचित होने के कारण जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि हमें लगा कि हमारे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि अपने को जो अपने पास राशि है ज्ञान की उसके बारे में मालूम नहीं है। तो ये जो रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम है, इसको जब अपन धीरे धीरे एक एक विषय में जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो ये ज्ञान होगा, ये पता चलेगा कि कितना रिच, कितना समृद्ध ज्ञान अपने पास उपलब्ध है। तो इससे अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत एडवांस्ड है नंबर एक, और बहुत समृद्ध है नंबर दो। गणित के बारे में तो अपन जानते ही हैं कि गणित भारत का जो है वो बहुत अच्छा रहा है, समृद्ध रहा है, बस इससे अधिक कम जानते हैं। जबकि उसी गणित के आधार पर आज भी अपने पंचांग बनते हैं और आज भी वो बताते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर ये सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर वो मोक्ष हो जाएगा, ग्रहण समाप्त हो जाएगा, भारत के या विश्व के इस भाग में वो दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, इधर पूर्ण दिखेगा, उधर आंशिक दिखेगा, आदि आदि आदि। ये गणित का कमाल है, गणित का चमत्कार है। लेकिन अपने को वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो अपन मान लेते हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, अब अपने को पता ही नहीं है कि अपने पास वो जो सुलभ सूत्र है, चाहे वो कात्यायन हो, बोधायन हो, आपस्तंभ हो, मानव हो, ये सुलभ सूत्र हैं, ज्योमेट्री के सूत्र हैं, ये वर्षों पहले अपने पास उपलब्ध है, लेकिन अपन ने उसका अध्ययन नहीं किया, अपने कहो कि पाठ्यक्रम में, सिलेबस में वो शामिल नहीं था, तो अपने को ज्ञान नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम हुई, और भी बहुत से जो सिद्धांत हैं वो अपने यहाँ पहले से अवेलेबल है, इतनी एडवांस ज्योमेट्री अपने पास अवेलेबल है, कैलकुलेशन अवेलेबल है, एस्ट्रोनॉमी अवेलेबल है। तो ये जो रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम है, इसके माध्यम से अपन अलग अलग विषयों को देखने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कितना रिच या समृद्ध नॉलेज, ज्ञान अपने पास अवेलेबल था या है। रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम में सामान्य रूप से अपन सबसे पहले वेदों को देखते हैं, वेदों को, लेकिन अभी उस क्रम को आज थोड़ा बदल कर उसकी जो भाषा है उसको देखते हैं। तो सामान्य रूप से अपन ऐसा मानते हैं कि संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा है, हजारों हजार साल पुरानी है, वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद अपने को संस्कृत में मिलते हैं, वेद भूमि अपन भारत को कहते ही हैं, चाहे वेद कह लो, चाहे आर्य कह लो, चाहे संस्कृत कह लो, वो कहीं बाहर से नहीं आई है, वो अपनी भारतीय है, भारतीय है वेद भूमि। वेदों में जो जो वर्णन मिलता है वो सब भारत में ही है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, देवी हो, देवता हो। अभी वेदकालीन समय की बात नहीं कर रहे हैं, अभी संस्कृत की बात करेंगे। संस्कृत, तो संस्कृत क्या है? एक भाषा है, वेद को श्रुति भी कहते हैं, सुनना। और संस्कृत जो है वो पूरी वैज्ञानिक आधार पर बनी हुई भाषा कह लो वो है, उसमें अल्फाबेट्स हैं। संस्कृत यानी जैसे संस्कृत, संस्कार, संस्कारित, संस्कृति, संस्कृत, संस्कृत यानी रिफाइंड। तो ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, ये बहुत ही रिफाइंड है, रिफाइंड है। ये पूरी वैज्ञानिक आधार पर बनी हुई भाषा है। आजकल अपन देवनागरी स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में श्रुत परंपरा थी, सुनने की परंपरा थी। तो ये जितने अपने ये अल्फाबेट्स हैं, वर्णमाला उसको अपन कहते हैं, बचपन से अपन जानते हैं, उस पर एक बुक भी लिखी है,
उसका नाम है गार्लैंड ऑफ लेटर्स, वर्ण माला, माला मीन्स गार्लैंड, लेटर यानी वर्ण, वर्ण यानी रंग। तो ये जितने अल्फाबेट्स हैं, मात्रिका कह लो, अल्फाबेट्स कह लो, स्वर कह लो, व्यंजन कह लो, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं इन सबका रंग है, रंग है, इसका पूरा प्रतिमा विज्ञान है। एक एक जो अल्फाबेट है, चाहे आ इ ई उ ए आई ओ अंग आ, उसी में र र ऐसा भी चलता था, लुर लुर वो भी चलता था, तो धीरे धीरे समाप्त हो गया। जब हम छोटे थे तब ये चलते थे, वो री ऋषि का बोलते थे, दीर्घ री भी होता था, लुर होता था, लुर होता था, ऐसे ये 16 जो है वो स्वर होते थे। और क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ण तथ ध न प फ भ भ म यर ल व श श ह क्षत्रज्ञ, ऐसे व्यंजन होते थे। तो स्वर होते थे और व्यंजन होते थे, क्या होते हैं इसमें आप देखोगे कि क ख ग घ, ये जब आप प्रोनाउंस करोगे तो इसके उच्चारण का स्थान फिक्स है। इसी प्रकार च छ ज झ एक वर्ग में आएंगे, फिर वो दांत वाले आएंगे त थ द ध न, फिर होस्ट वाले आएंगे प फ ब भ म, बीच में ट ठ ड ड न है। तात्पर्य क्या है कि ये अलग अलग वर्ग हैं, वर्ग हैं, और इनके उच्चारण का स्थान भी फिक्स है। और जब किसी अक्षर को, अक्षर मतलब साउंड की वो वैल्यू, क्षर मतलब क्षरण, जिसका अब और अधिक डिके होना, ह्रास होना संभव ना हो, वो है अक्षर, क्षरण नहीं होता। अपन जो भी कुछ बोलते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में वो स्पंदित होता रहता है। तो अक्षर इसको कहा, अपने यहाँ के जो अल्फाबेट्स हैं उनको अक्षर कहा, पूरे को वर्णमाला कहा, और उसको अलग 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 वर्गों में विभाजित किया उनके उच्चारण के स्थान के भेद के अनुसार। और उसी में जब गहराई में कभी आगम का जब अध्ययन करना होगा, देखेंगे समझेंगे, तो षड्द्वा शोधन की बात आएगी कि वो पदार्थ है, पद है, उसका अर्थ है, उस पर भी विचार करेंगे। फिर इन्हीं उच्चारण की जब बात करते हैं तो वाणी के स्तर की बात आती है, परा पश्यंती मध्यमा और बेखरी। तो ये जितना भी उच्चारण वाला क्षेत्र है ये सारा का सारा बेखरी, ये जो वाणी का जो क्षेत्र है ये बेखरी वाला क्षेत्र है। तो संस्कृत यानी रिफाइंड, उसमें स्वर और व्यंजन, उसको मातृका भी कहेंगे, पूरा का पूरा मातृका विज्ञान है। एक एक अक्षर का मीनिंग है, उसके आइकॉन है। अपने यहां पर इंदौर के पास में उज्जैन एक स्थान है, उज्जैन, पहले उज्जैनी अवंतिका ऐसा उसका नाम रहा है। तो वो जो उज्जैन नामक स्थान है वहां पर हरसिद्धि देवी का मंदिर है, हरसिद्धि देवी का मंदिर है। और उस मंदिर में जो हॉल बना हुआ है, उसकी जो छत है हॉल की, उसमें ये जितने अल्फाबेट्स हैं उन सबकी देवी के फॉर्म में कह लो, शक्ति के फॉर्म में कह लो, मंत्र के रूप में कह लो, वो पूरी की पूरी आइकॉन कह लो, मूर्ति कह लो, चित्र कह लो, वो वहां अवेलेबल। तो ये बहुत बड़ा रहस्य अपने अल्फाबेट्स में है, इनके उच्चारण में है, इनके प्रभाव में है, इनके प्रभाव में है, इनके प्रभाव में है। ये जो अल्फाबेट्स हैं, जब शास्त्र के आधार पर उसको अध्ययन करते हैं तो उच्चारण होता है उद्दात, अनुद्दात और स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इस प्रकार से उच्चारण के 18 भेद होते हैं, भेद, और उन सबका अपना प्रभाव होता है। जब हम वहां अध्ययन करने गए तो बिलासपुर में मैडम है, पुष्पा दीक्षित मैडम है, वो संस्कृत का पाणिनी अष्टाध्यायी के पाठ सेशन चलाती हैं। तो वर्षों पहले जाना हुआ था,
तो हमने वहाँ चूंकि महर्षि संस्थान में रहे हैं या हैं, तो हमें पता है वो पाठ के बारे में कि पाठ होता है, उच्चारण होता है, जटा पाठ, घन पाठ, अष्ट विकृति वगैरह इतने आदि शब्द सुने हुए थे। तो वहाँ हमने उनसे पूछ लिया एक दिन कि ये जटा पाठ क्या है या घन पाठ क्या है। तो फिर उन्होंने शाम को संस्कृत के जो घन पाठी होते हैं वो आए और उन्होंने उच्चारण भी किया। तो ये भाषा इतनी समृद्ध है संस्कृत कि इसमें कभी कोई चीज प्रक्षिप्त की जाए, श्लोक में कोई चीज अलग से डाल दी जाए, तो उसको कैसे ढूंढना, ऐसे कैसे उसको निकालना, वो नमक चमक जटापाठ घन पाठ ऐसे अनेक उसकी विधियां हैं जिससे कभी कोई चीज प्रक्षिप्त हो जाए, बीच में आ जाए बाद में, तो उसको कैसे ढूंढकर निकालना। बड़ी समृद्ध भाषा है ये। उच्चारण के भेद हैं उद्दात अनुदात स्वरित हश्व दीर्घ प्लुत। जब कभी महाराज श्री रामानंद जी सरस्वती के महाराज श्री के प्रवचन अपन अपलोड करेंगे तो उसमें जब विज्ञान भैरव जो ग्रंथ है उसमें महाराज श्री ने जब व्याख्या करी है कि उच्चारण कैसे होता है, जैसे एक मात्रा फिर है ना, एक दो तीन मात्रा का उच्चारण है, फिर एक से आदि जैसे अ है आ है ना, फिर वही दीर्घ प्लुत हो जाता है। तो वो जो एक मात्रा है उसकी आधी मात्रा, आधी की आधी, एक बटा चार, एक बटा आठ, एक बटा सोलह, एक बटा बत्तीस, एक बटा चौसठ, एक बटा एक सौ अट्ठावीस और 256, एक बटा 256 तक कैसे वो मात्रा होती है, उसका वर्णन विज्ञान भैरव नामक जो ग्रंथ है उसके प्रारंभिक मंत्र कह लो, श्लोक कह लो, उनमें किया गया है। तो जब अपन संस्कृत भाषा को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो हमें ये ज्ञान होगा कि कितना रिच, कितना समृद्ध भाषा का ज्ञान अपने पास उपलब्ध है। अभी तो प्रातिशाख्य ग्रंथ होते हैं उसकी चर्चा नहीं होती, अपने पास नाम भी सुनने को नहीं आता। इवन कई बार संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उनसे हम पूछते रहते हैं प्रातिशाख्य ये वो, ऋग्वेद प्रातिशाख्य इत्यादि। अपने यहाँ महर्षि संस्थान में वो पाठ्यक्रम में है तो हमको वो सब देखने सुनने को पढ़ने को मिला, तो हमने उसमें सब देखा। तो उच्चारण कैसे करना, कहाँ से कौन सा उच्चारण होगा, उसके क्या फल उत्पन्न होता है, पूरा का पूरा ये प्रतिमा विज्ञान, मातृका विज्ञान अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि यदि उसका अपने को ज्ञान हो जाए, मालूम चल जाए, तो भी अपन चमत्कृत हो जाते हैं। कैसे एक एक शब्द अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे ज अक्षर है, जब कभी अपन एकाक्षरी या मातृका विज्ञान को विस्तार में देखेंगे उधर अलग से, तब देखेंगे ज जो है वो विक्ट्री कह लो उसको रिप्रेजेंट करता है। ण ण जो अक्षर है वो निश्चितता को देता है। र अक्षर जो है र र र र र र र र वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये सब इतना बड़ा ज्ञान अपने पास अवेलेबल है। जो आकृति है, जैसे मान लो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व को जब अपनी परंपरा में अपन देखेंगे तो उसको त्रिकोण से प्रदर्शित करते हैं। रंगों में उसी तत्व को देखेंगे तो लाल रंग से उसको प्रदर्शित करते हैं। वही वाइब्रेशंस जब घनीभूत होते हैं तो वो अक्षर जो बनता है वो र बनता है। इसी प्रकार फूड में, भोजन में भी जो अग्नि तत्व है, चाहे पित्त कह लो, तो इसी प्रकार एक ही जो वाइब्रेशंस है वो कैसे घनीभूत होके आकार का जब फॉर्म लेंगे तो कैसा आकार होगा, कैसा रंग होगा, कैसा वो अल्फाबेट बनेगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान अपने पास संस्कृत भाषा के रूप में अवेलेबल है, उपलब्ध है। इस पे तो बहुत अधिक कभी शोध की भी आवश्यकता है, वैज्ञानिक दृष्टि से जब उसको देखना समझना हो तो अपने आप में वैसे वो पूर्ण है। और ये विद्या जितनी भी अपनी वैदिक विद्याएं हैं
ये सार्वभौमिक हैं, सार्वदेशिक हैं और सार्वकालिक हैं। समय इसको नहीं खा सकता। अपन इसका ज्ञान प्राप्त करें, इसका नॉलेज प्राप्त करें, इसको प्रचार प्रसारित भी करें, ये बहुत बड़ा काम अपना होना अभी बाकी है। लेकिन बहुत नॉलेज अभी अपने पास अवेलेबल है, संस्कृत का है, अल्फाबेट्स का है, एक एक शब्द का है, अक्षर का है, मातृका का है, उनके उच्चारण का है, और उन सब का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अब वास्तु से मान लो अपने को जोड़ना हो, आवश्यकता नहीं है पर मान लो जोड़ना हो, तो अपन करेक्शन में एक एक अल्फाबेट का उपयोग भी करते हैं कि विक्ट्री प्राप्त करना हो तो ज अक्षर को उसका जो कलर है, ये सब जितने भी वर्ण हैं, अक्षर हैं, इन सबके रंग होते हैं, इनके कलर्स होते हैं, और ये पूरा का पूरा विज्ञान जो है ये मातृका विज्ञान अल्फाबेट्स का जो है इसको मातृका विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसको एकाक्षरी के नाम से जानते हैं, और आगम के ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन है। ये जो अपना वोकल कार्ड है उसमें वो स्थान फिक्स हैं सबके उच्चारण के। तो वास्तु में जब शल्य ज्ञात करते हैं, भूमि के अंदर कोई दोष है उसका पता लगाते हैं, तो भी अल्फाबेट से लगाते हैं, वो अपन शल्य ज्ञान विधि में देखेंगे। किसी के जीवन में परिवर्तन करना हो तो कौन सा वो मंत्र देना, मंत्र भी बनेगा ही नहीं अल्फाबेट से, शब्द जो बनेगा, बीज मंत्र जो बनेगा, जैसे ह्री में, श्री में, क्ली में, ये जितने भी मंत्र बनेंगे ये बनेंगे इसी इन्हीं अल्फाबेट से बनेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे। श्री मना तो श, र, ई और म, उससे उसको बनाया, एक एक अक्षर का मीनिंग है। ई यानि कामना, डिजायर, इच्छा, है ना, वो अ अविश्रांत हुआ तो आनंद हुआ, उल्लास हुआ, है ना, फिर उसमें ऊर्जा उच्छृण हुआ ऊ से, फिर उसमें ई से कामना जगी, फिर कैसे वो विस्तार को प्राप्त हुआ, ये पूरा विज्ञान है। और आगम के ग्रंथों में बहुत विस्तार से अपने को ये पूरा रहस्य देखने को मिलता है, स्पष्ट होता है। कभी जब भी समय होगा अपन आगम ग्रंथों की भी चर्चा करेंगे, और षड्वा ये जो भुवन है, तत्व है, अर्थ है, मंत्र है, इस पे भी कुछ देखने का समझने का प्रयास करेंगे। अभी आज के लेक्चर में, अभी आज के जो अपना पाठ है उसमें अपन संस्कृत के महत्व उसको देखने का समझने का थोड़ा सा प्रयास किया, उस विषय को स्पर्श किया। अभी जो सीरीज अपन शुरू कर रहे हैं आज से, वो रिव्यू ऑफ द एंशियंट विजडम है, और रिव्यू ऑफ द एंशियंट विजडम में अपने पास जो विभिन्न विषय हैं उनका कितना प्राचीन ज्ञान या नॉलेज अपने पास अवेलेबल है इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज अपन ने थोड़ा सा संस्कृत भाषा को टच किया, स्पर्श किया। इसी संस्कृत भाषा जो इसकी व्याकरण है, पाणिनी व्याकरण प्रसिद्ध है, सारस्वत व्याकरण भी है, पाणिनी व्याकरण भी कैसे वो पूरी संस्कृत भाषा को 3996 फॉर्मूलाज या सूत्र में कैसे उसने बांधा है, पिरोया है, और उसी के कारण ये जो संस्कृत भाषा है ये कंप्यूटर के लिए अत्यधिक उपयोगी है, मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि ये नियमों से बंधी हुई है। पाणिनि अष्टाध्यायी को भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में हमने संस्कृत भाषा, उसके महत्व, वर्ण, उनके थोड़ा बहुत रंग, षड्वा, आठ वर्ग, अक चट इत्यादि, उनकी सबकी शक्ति होती है मातृका कहते, उनको देखने का समझने का प्रयास किया। आगामी पाठ में विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा वेद, ये जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद है, इनको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, शांति। Om Shanti।